जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तस्वीर को जो है वो ध्यान से देख सकते हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लगातार जम्मू के बहु फोर्ट से ये तस्वीरें जो हैं वो कुछ दिन से जो हैं सुर्खियों में हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दीवार पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चंडी माता रानी की तस्वीर है, जिनका मेन मुख्य स्थान की बात करते हैं वो जो है वो पाडर में है, मचेल पाडर में। लेकिन उसी के साथ एक घर पर एक छोटी बच्ची को जो है ये पायलों की आवाज़ आती थी, सबसे पहले दर्शन जो है वो उसी के हुए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि माता रानी जो है वो अपनी बच्चियों से ज़्यादा प्यार करती है, मतलब कंजकों से जो है वो ज़्यादा प्यार करती है। तो हो सकता है कि सबसे पहले जो है वो उन्हीं को दर्शन हुए। और इस घर पर हम हैं जहाँ से ये लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और वो छोटी बच्ची मेरे साथ है, तो सबसे पहले उसी से बात करते हैं। क्या नाम है? नताशा। नताशा, सबसे पहले आपने क्या फील किया, किस तरह से आपको पता चला कि ये यहाँ पर जो है वो माता रानी? मुझे पायल की आवाज़ आती थी रात को। दिन तक आती? एक दो दिन तक। फिर आपने क्या, किसे कहा? दादी माँ को। तो ये आपके घर पे सबको पायल की आवाज़ आती थी या सिर्फ आप ही? मेरे को ही आती थी। सिर्फ आपको ही आवाज़ आती? तो दादी जी ने आपको क्या कहा? दादी मैंने बोला आपका वहम होगा। आपने सच में से कहा कि वहम हो गया? हाँ, मैंने बोला था वहम है। फिर क्या हो गया कि जो आप मान गए? ऐसे तो मेरे को भी दर्शन हुए थे, मैं बोल नहीं सकती थी, पता नहीं कोई माने या नहीं माने। मैंने बोला ऐसे ही बहन है इसको, ऐसे ही बोला। तो आपको कब दर्शन हुए थे उसके बारे में? फिर मेरी एक बहन है, उसमें उसको प्रवेश आता माता का, चंडी माता का। वो जाती है उधर मचेल, मैंने तो देखी भी नहीं है। आप कभी मचेल नहीं गए? नहीं गए। तो ऐसे हम दोनों बहनें बैठे थे, उसने मेरे को बोला आपके घर में माता आई है। हाँ, कहाँ आई है? बोलती इधर आई है। तो मेरे को पता था, मेरे को दर्शन तो पहले ही होते हो गए थे। तो आप अपने आपको कितना खुशकिस्मत मानती? ऐसे ही खुश मानती जो माता मेरे घर में आई है, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत लोग आपके घर पर आ रहे हैं, बहुत भीड़ लगी है, सुबह शाम जो है लोग आपके घर पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रही है मेरे को, बहुत खुशी आ रही है मेरे को, जो इतनी मेरे घर में आ रहे हैं। चलो मैं यही आप बोलती हूँ, इतनी खुशी मेरे लड़के की शादी हुई, इतनी खुशी मेरे को वो भी नहीं हुई जितनी खुशी मेरे को मेरी माता की। तो आप बताइए, फिर जब आपकी दादी ने कहा आपका वहम, उसके बाद में कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर तस्वीर? मुझे माता जी के दरबार। आपको भी कभी सपने में आई? आपको भी कभी दर्शन हुए? तो कुछ बता सकती है अपने सपने के बारे में? सपने में भी नहीं हुए, रियल में हुए। तो आप अपने आप को कितना लकी मानती हैं? माता रानी कंजकों से प्यार करती है, और आप भी एक कंजक है, कि सबसे पहले आपको जी हमने माता का जरगाता भी कराया था ना शादी में, और पहले माता के साथ संग करवाई जो जनानियाँ करती हैं, फिर उसके बाद बड़ा जरगाता करवाया मैंने। जरगाता के कराने के बाद में मेरा दिल नहीं लगता था और घर में, बस इस कमरे में मेरा मन करता है इधर ही बैठ जाऊँ चुप करके, इधर ही सो जाऊँ, इधर ही भूख प्यास इतना नहीं लगती मेरे को, बस इधर ही थोड़ा ध्यान लगता था मेरा इस कमरे में चुपचाप। ये छोटी बच्ची ऐसी हुई थी, लेकिन लोग जो हैं इनके घर पे बहुत से आए हैं। और क्या नाम है आपका? जानकी देवी। मैम, आप कितना लकी मानती हैं कि इनको दर्शन हुए हैं और इनके घर पे जो है वो माता विराजमान? अच्छा, बहुत अच्छा, खुश नसीब है ये, खुश नसीब है जिनके घर में माता आई है, माता के चरण पे है माता। लोग जो दूर जाते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी इधर से बहु फोर्ट की कच्चा तला। रोज आती हैं? नहीं, आज ही मैं पहली बार आई। आपने किससे सुना पहली बार? मैंने कल सुना भाई उनके घर में माता आई है, मेरे घर वाला बीमार है, तो मैं उस मन्नत लेकर आई। मन्नत मांग? हाँ जी, यहाँ मैं भी दर्शन कर जाऊँ, घर वाले के लिए कुछ मांगती हूँ, उनको ठीक कर दे दे, चलो मैं भी इनके घर में आती जाती रहती रहूँ। वो भी आप यहाँ पर आई हैं मन्नत मांगने आई हैं अपने घर वाले के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है, कितनी अच्छा लगा? बहुत खुश हूँ महसूस हुई, जैसे पूरा दिखाई दे रहा है। अच्छा मिला। मैम, आप कहाँ से आई हैं? यहीं से। कितनी खुशी हो रही है? ज़्यादा खुशी हो रही है, ज़्यादा। और आप कहाँ से हैं? मेरी परजाई, मेरे पेकियन है। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार जो वो ला सकते हैं वो लेकर आ रहे हैं। और ये जो विजुअल्स हैं, ये यहीं से जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ उसी घर में। और ये जो लोग जो हैं यहाँ पर आना लोगों का चल रहा है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मांगने के लिए आ रहे हैं। और बहुत खुशकिस्मत समझते हैं उन घर वालों को भी जिनके घर पर जो है ऐसा हुआ है। और
जिनके घर पर जो है माता रानी विराजमान हुई हैं और वो भी खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि वो यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग जो है वो माता रानी के चरणों में जो है वो माथा टेक रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं अपनी मन्नतों के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं। शाम यहाँ पर माता रानी का जो जागरण है वो चलता है और लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांगने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लोग बहुत खुश हैं अपने आप को। यहाँ पर आके लोग जो है वो खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हमें जो है दर्शन करने का मौका जो है वो मिल रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये बहू फोर्ट के घर से हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो जम्मू के बहू फोर्ट से जो है वो वायरल हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलिए आप तक ये जो पहली तस्वीरें हैं ये पहुंचाई जाए।